हेलो दोस्तों, नमस्ते। निर्मल यादव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग, जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए। दोस्तों देख सकते हैं मेरे वीडियो में, दोस्तों मैं अभी को वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी को टाइम मिला है और अभी जा रहे हैं। छोटा सा ब्लॉग डाल रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं डालूँगी, छोटा सा ब्लॉग डालूँगी। दोस्तों देखिए ना दोस्तों, मेरा बाया बहुत ज़्यादा फर्क रहा है, पता ना क्यों दोस्तों बाया फर्क रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों, क्या घटी होने वाला है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है क्या घटी होने वाला है। क्या करूं इस आँख को, कहते हैं लोग दोस्तों बाया आँख नहीं फड़कना चाहिए, दाहिना आँख फड़कने से फायदा होता है और बाया आँख फड़कने से घटा मतलब घटी का पहरा आता है दोस्तों, पता नहीं क्या नुकसान होने वाला है। मेरे पास ऐसा कुछ तो ऐसा चीज़ है नहीं कि होने वाला है, अब जो होगा ऊपर वाले करेगा दोस्तों, घटी हो चाहे फायदा हो। तो दोस्तों शाम को कल मतलब कल से दुकान खोलना स्टार्ट की हूँ दोस्तों, कल शाम से सुबह नहीं खोल पाई थी दोस्तों, मैं बताई थी दोस्तों आप लोगों को कि आई हूँ, जब से कपड़ा इधर ले जा रहे हैं दोस्तों और सफाई वगैरह कर रही हूँ, पूरा भी सफाई अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। सोच रहे होंगे कि कौन सा घर सफाई कर रहे हैं, घर बड़ा है ना दोस्तों, रूम भी बड़ा बड़ा है दोस्तों, काफ़ी सामान रखा हुआ है दोस्तों, एक बार में तो हो नहीं पाएगा सफाई, तो बस सफाई धीरे धीरे कर रही हूँ दोस्तों। सोच रहे हैं ऊपर से पूरा रैक वगैरह जितना है जो सब सफाई और लोहा प्लास्टिक बॉटल सारा, अभी तो मैं हमारे हस्बैंड जी आज सारा का सारा लोहा लगकर जो छूटा है फूटा होगा वो प्लास्टिक प्लास्टिक बॉटल फॉटल जितना था सब साइड में मतलब बेचने के लिए जमा इकट्ठा करके रखी हूँ, और बाकी अभी और सामान हटाना बाकी है दोस्तों, जैसे बर्तन में भी है टूटा फूटा बहुत सारा, तो बर्तन हटाना है दोस्तों, और सभी को बेच करके अच्छा सामान जैसे कुकर लेना है और एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है जिसमें मछली 5-6 kg बन जाए, और कुकर लेना है छोटा वाला ताकि छोटा परिवार जैसे हम लोग 4 परिवार हैं तो इसको बड़ा कुकर निकंदा करना पड़ता है, और छोटा कुकर रहेगा तो सही रहेगा, बड़ा कुकर बड़े फैमिली में काम आएगा तो बस उसको और ड्रम में से मतलब छाँटना है। प्लास्टिक प्लास्टिक भी बहुत सारे डब्बे हैं उसमें पड़ा हुआ, तो सब आज तो नहीं हो पाया है, अब कल करूँगी उसका सारी सफाई, उसमें से छाँट कर देखूँगी जो बर्तन बेचने लायक होगा उसको हटा दूँगी, जो बेचने लायक नहीं रहेगा उसको रख लूँगी, मतलब एक साइज का जो बर्तन रहेगा उसको रखूँगी, जो एक साइज का बर्तन नहीं रहेगा उसको बेच कर कोई और बर्तन खरीद लूँगी दोस्तों। एक किरदार जो थे जो है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी भी वाइफ प्रेगनेंट थी तो अचानक तबीयत ख़राब हो गया था तो उनको गांव जाना पड़ा, और गांव गई तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तो इसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाई, तो उन लोग का था बर्तन ढेर सारा, भगोना था दो, हाँ दो भगोना था, एक 2 kg का है, एक 1.5 kg का है, और कुकर है 5 लीटर वाला, और बहुत सारे बर्तन हैं दोस्तों, थाली बहुत बड़ा बड़ा थाली था जो मुझे चाहिए, जो मतलब ख़रीदने वाली मैं थी दोस्तों, जो मुझे घर पे मेरे मतलब मिल गया किरदार, पैसा नहीं दी थी तो इसके बदले उसके बदले बर्तन था और बर्तन था और हाँ गैस सिलेंडर था 5 लीटर वाला, तो गैस सिलेंडर हमारे पास फ़िलहाल अभी 3 हो चुका है, और तो दोस्तों ढेर सारा बर्तन भी हो गया है, चम्मच कटोरी प्लेट थाली भगोना, जिस भगोना मैं खरीदने वाली थी दोस्तों इसी धनतेरस में एक भगोना खरीदी थी तो वो 3 लीटर का भगोना था, मैं 2 लीटर का और 1 लीटर का भगोना खरीदने वाली थी, जो मैं सोची थी कि इस बार धनतेरस आएगा तो इस बार धनतेरस में खरीदूंगी मैं, तो नहीं खरीद पाई तो मुझे घर पे मिल गया दोस्तों। और कहते हैं लोग दूसरा का बर्तन यूज नहीं करना चाहिए, और बर्तन यूज किया हुआ नहीं था सब दोस्तों, सब नए नए ही भगोना है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, भगोना भी नए नए हैं शायद यूज नहीं की थी,
सब नया कढ़ाई है दोस्तों, और कढ़ाई अभी नए न्यू कढ़ाई है दोस्तों। तीन कढ़ाई है, तीनों तीन साइज की है। जो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं एक कढ़ाई में खाना बना रही हूँ और एक कढ़ाई में पूड़ियाँ तलती हूँ, और एक कढ़ाई जो है छोटा सा जो है उसको इमरजेंसी में कभी कुछ दूध चाय वगैरह गर्म मतलब करने के लिए बनाने के लिए रखी है। और दोस्तों बल्कि भगोना चाय बनाने वाला मेरे पास अभी गर्म करने वाला भी था, मगर एक छोटा था एक बड़ा था, और एक एक भगोना जो था 3 लीटर का था दोस्तों, जबकि दूध मेरे यहाँ 1.5 लीटर लेवाता है। तो दोस्तों ज़्यादा मतलब भगोना मेरा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, मतलब फ्रिज के साइज से बड़ा हो जाता था। ऐसा नहीं कि सामान नहीं आता था, मगर थोड़ा लंजार लगता था दोस्तों, दूध ज़्यादा रहता तो समझ में आता है, थोड़ा सा दूध होता समझ में आता, मतलब अजीब सा लगता है बड़ा भगोना में दूध गर्म कीजिए तो। तो इस टाइम मेरे पास भगोना तमाम हो गया है दोस्तों, और पहले से भगोना तो था ही सब सारा, और मतलब छोटा बड़ा जो भी था, मगर वो सब पूजा पाठ के लिए था दोस्तों, जो मैं पूजा पाठ के लिए ही मैं यूज करने के लिए निकालती थी, और ऐसे नहीं कभी निकालती थी। जब तक सास थी तब तक की बात है दोस्तों, सास थी तो मतलब बना छठ पूजा करती थी, तो बस वो सारी चीज़ों में निकालती हूँ। और अभी फिलहाल अभी आ रहा है दोस्तों तीज जुतिया आ रहा है, तो ये सब मैं निकालूँगी, फिर दुर्गा पूजा आएगा तो दुर्गा पूजा में निकालूँगी, फिर उसके बाद माँजूँगी, उसके बाद फिर अच्छे से धूल करके फिर उसी तरह उसको सरिया कर रख देती हूँ दोस्तों। तो छोटा बड़ा भगोना तो था, पर वो इमरजेंसी के लिए था दोस्तों, जो अभी यूज के लिए चाहिए था वो नहीं था, जो मैंने सोचा था धनतेरस में लेने के लिए, या न तो छोटा बड़ा कढ़ाई और थाली वगैरह था, उसको मैं सोची थी कि सब बेच करके मतलब छोटा बड़ा भगोना लूँगी, मगर दोस्तों मिल गया है अभी नया है दोस्तों, दिखाऊंगी। जो एक भगोना छोटा वाला है दोस्तों 1 लीटर वाला, वो हमारे जो छोटे भाजी जला दिए हैं दोस्तों, सोची हूँ डांबर ही लाकर उसको अच्छे से सफाई कर दूँगी। तो दोस्तों अभी मतलब नहीं लाई हूँ, तो अभी लाऊँगी ले आऊँगी, देखती हूँ पता करती हूँ दुकान में रखी है कि नहीं, अगर रखी होंगी तो मैं अभी ले कर आऊँगी और उसको सफाई करूँगी और अच्छे से धोलूँगी। और बाकी दोस्तों सारा बर्तन है, गिलास भी है, गिलास भी जो दोस्तों बड़ा वाला खरीदने वाली थी, जितना बड़ा होता है दोस्तों 1 लीटर वाला, वो मैं सोची थी खरीदने के लिए, वो मेरे पास था दोस्तों एक, मगर वो मतलब कहीं शायद हो गया था, शायद हो गया था या फिर कुछ कोई लेकर चला छुड़ी दोस्तों, नहीं था मेरे पास, हो गया है दोस्तों 1 लीटर वाला जो गिलास होता है दोस्तों, जो एक गर्मी के मौसम में अपना 1 लीटर गिलास का पानी लेके बैठी अपना आराम से खाना खा लीजिए। तो दोस्तों मेरे पास वो भी हो गया है, और चार और गिलास नए न्यू है, जो अभी 4 गिलास यूज में है रखी हूँ, और जो उसके पहले जो सब सारे गिलास ये थे वो सारे गिलासें भी अभी है, और 4 अभी रखी हूँ और वो सब हटा दी हूँ जो छोटे छोटे बड़े साइज में थे, और 4 गिलास साइज के हैं इसलिए उसको रखी हूँ, और छोटा छोटा भी है दोस्तों, पानी देने में बहुत मतलब आरामदायक है दोस्तों, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, वो दोस्तों मीडियम है, तो पानी देने के लिए और गेस्ट वगैरह आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों एक साइज के गिलास रहता है अच्छा। सो हो गया है दोस्तों, और मेरे पास हाँ थाली तो पहले से था ही दोस्तों, और भी थाली हो गया है, जो आटा गूंथने के लिए मेरे पास इतना बड़ा है दोस्तों, जो मैं इतना छोटा और इतना से है दोस्तों। अब मुझे धनतेरस में लेती हूँ, धनतेरस में क्या खरीदती हूँ, पिछली बार तो सोने के सिक्का खरीदी थी, 30 बार सिक्का, फिर सोच रही है दोस्तों कि सोने का ही सिक्का खरीद, बहुत काम आता है दोस्तों, पूछिएगा से सोने का सिक्का खरीदिएगा तो चाहिएगा आप, तो गिरवी भी रख सकते हैं उसको, बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, इसलिए मुझे उसमें बहुत फ़ायदा है, पिछली बार सोने का सिक्का खरीदी थी, इस बार भी सोच रही हूँ, सोची हूँ कि सोने का सिक्का ही खरीदी,
तो देखती हूँ क्या करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।